किरण वसंतराव सानप नासिक, डायरेक्टर अर्जुन लर्न एंड अर्न। दोस्तों आज ऐसी कहानी आपके सामने लाने जा रहा हूं जो कि ना आपने सुनी होगी और ना कोई सुनाएगा। शुरू कर रहा हूं मैं अमेरिका से, और भारत तक कैसे पहुंचती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये कहानी है हमारी सोच और अमेरिका की सोच की। दोस्तों फ्रैंक एबनेल नामक अमेरिका की एक व्यक्ति जो उम्र की 15 साल से 21 साल तक यानी बचपन से ही चेक फ्रॉड करती थी, जिसमें उसने $2.5 million यानी इंडियन करेंसी में 18,75,00,000 अप्रोक्सीमेटली कमाया है। इस केस में 3 देशों में उसे लगभग 14 साल की सजा होती है, उसमें से 12 साल अमेरिका में सुनाई जाती है, पर सजा के 4 साल बाद अमेरिकी सरकार उसे रिहा करने की सोचती है, पर एक कंडीशन पर, अमेरिका में होने वाले बैंक क्राइम और अदर क्राइम सुलझाने में उसे मदद करनी होगी, क्योंकि सरकार जानती थी ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और 15 साल की उम्र में इतना बड़ा स्कैम करना ये इम्पॉसिबल है। फ्रैंक सब लूपोल्स यानी बैंकिंग सिस्टम की कमियां जानता था, जो कि खुद बैंक को समझने में समस्याएं आती थी। फ्रैंक एबनेल ने 12 देशों की पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। उस वक्त अमेरिका ने उसे सजा दिलवाई और 4 साल बाद छोड़ दिया। वो टाइम ऐसा था कि उस वक्त अमेरिका में बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा होते थे और उसे समझना बैंक और एफबीआई के लिए आसान नहीं था। तब फ्रैंक एबनेल को चोरों से सीधा एफबीआई का कंसल्टेंट बनाया गया और उसका परिणाम पॉजिटिव हुआ। अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा केसेस फ्रैंक सॉल्व करने लगा और उसकी बदौलत उसे एफबीआई का कंसल्टेंट बनाया गया। आज 44 साल से वो एफबीआई में काम कर रहा है और बैंक सिस्टम की कमियां खत्म करके उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अभी साइबर क्राइम में काम कर रहा है। Now, for years, I designed ADP's check, I designed Paychex's check, if that's your payroll provider, I've designed many state government checks, foreign countries' checks. For years, people would say to me, why don't you just design a check for small businesses? And so I did. It's now called the super check. I make no money from it, I have no financial interest in it, I receive no royalties for it. As a matter of fact, I didn't charge to design it. क्या हम सोच सकते हैं कि चोर को हम ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर कुछ साल पहले 1987 से 1992 हमारे देश में एक ऐसा ही शख्स था जिसने शेयर मार्केट में पाव रखा और सेंसेक्स 442 से 4546 तक उछला। ये कैसे कोई समझ नहीं पा रहा था, पर स्कैम 1992 में उसे गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिग बुल हर्षद मेहता की। एक्चुअली हर्षद चोर नहीं था, बल्कि उसे बैंकिंग सिस्टम के लूपोल्स पता थे। उसके जरिए उसने शेयर मार्केट और बड़े बड़े ट्रेडर्स को हिला के रखा था। हर्षद मेहता ना चोर था, ना उसने किसी के पैसे चुराए और ना ही डुबाए। उसने बस सेंसेक्स को बुल किया और वो रुका ही नहीं, वो आगे ही बढ़ता जा रहा था, इतना कि लोग उसे अमिताभ कहने लगे। इस दौरान लाखों लोगों ने उसे शेयर मार्केट में पैसे, करोड़ों का पैसे कमाए, यहां तक कि उसमें बैंकों ने और कुछ नेताओं ने भी पैसे कमाए। पर एक आम आदमी का इतना ऊपर जाना, करोड़ रुपए कमाया, इससे बड़े ट्रेडर्स की नजर लगी और हर्षद जेल चला गया। हमारी गवर्नमेंट ने फ्रैंक एबनेल की तरह हर्षद का दिमाग यूज किया होता तो आज हमारी जीडीपी और गरीबी का पिक्चर कुछ अलग होता। दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर हर्षद मेहता होता तो हमारे देश का विकास कहां तक पहुंचता। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल किरण सानप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। धन्यवाद।